हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए फेसबुक पर वॉइस ऑफ पानीपत को फॉलो और साथ ही लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आपको बता दें कि आज से अनलॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। गाइडलाइन के मुताबिक नियमों में क्या तब्दीली की गई है उसके बारे में आपको बताते हैं। पानीपत के जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार सभी दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश आगामी 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए रविवार 2 अगस्त को बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस दिन सभी दुकानें खुली रहेंगी। दिए गए आदेशों के तहत मास्क के प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी करना होगा। अब आपको विस्तार सहित बताते हैं कि क्या क्या तब्दीली की गई है। अब से दूध और डेयरी उत्पाद, मेडिकल, मिठाई, किराना की दुकानें, ढाबे, बेकरी, फल व सब्जियों की दुकानें सुबह 7 बजे से रात 9:30 बजे तक हर रोज रविवार को भी खोली जा सकती हैं। अन्य सभी दुकानें पहले सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलती थी, लेकिन अब से हर रोज सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकती हैं। कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें आगामी आदेशों तक बंद रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग में 2 गज की दूरी की पालन के लिए सभी दुकानदारों को और वह उपभोक्ताओं को पाबंद रहेगा। सभी दुकानदार हाथों में दस्ताने और मास्क पहनना होगा और हैंड कंटेनमेंट से भी दूर रहना होगा। दुकानदार अपनी दुकानों में कम से कम स्टाफ रखेंगे और भीड़ बनाने पर भी पाबंदी बनाए रखेंगे। मानव के संपर्क में आने वाली वस्तुएं जैसे डोर हैंडल इत्यादि को सैनिटाइज करना भी जरूरी होगा। सभी बड़ी दुकानों पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होनी आवश्यक है। दुकानदार यह ध्यान रखें कि कोई भी उपभोक्ता दुकान के अंदर बिना थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर व मास्क के बगैर ना आए। दुकानदार व हेल्पर सहित 5 से ज़्यादा व्यक्ति दुकान में एक समय पर ना हों। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वह हिदायतों की पूरी तरह से पालना करें। सभी दुकानदार भी दी गई हिदायतों को अच्छी तरह से निभाएं। सभी नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी को कहा गया है कि वह सरकार द्वारा दिए गए हिदायतों के तहत ही दुकानें खुलवाएं। यह सभी आदेश 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। इसके बाद सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। आपको एक बात जरूर बता दें, कई लोग वॉइस ऑफ पानीपत से दोबारा लॉकडाउन लगने की अफवाह के बारे में पूछ रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, यह खबर सिर्फ अफवाह है। सरकार की तरफ से दोबारा लॉकडाउन लगने की कोई नई खबर सामने नहीं आई है। आप सब फेक न्यूज से सावधान रहें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।